हेलो एवरीवन, होप यस्टरडे का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज एवरीबॉडी इज यूनिक एंड आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड। ओके, फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब है वन टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। यस, डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो शायद भगवान ने नहीं दी है, लेकिन उसकी जगह उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके वो बंदा किसी और अच्छी जगह अपनी एबिलिटीज़ को डाइवर्ट कर रहा है। जैसे ही आई स्टार्ट द टॉपिक यू विल गेट टू नो व्हाट आई वांट टू से, राइट। समटाइम्स एन ऑर्गन इन आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कई बार हमारे बॉडी में ऐसे कोई ऑर्गन होते हैं जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। इट मे बी फिजिकली और मेंटल डिसेबिलिटी। वो शायद या तो फिजिकल ऑर्गन हो सकता है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, राइट। हम उनको मानसिक बीमार बोल सकते हैं, मानसिक बीमारी बोल सकते हैं, लेकिन उनको पागल बोलना इज़ नॉट एट ऑल अ वर्ड्स, राइट। सो आइदर उनको शायद कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर उनको कोई मेंटल डिसेबिलिटीज है। सम ऑफ अस आर बॉर्न विद अ डिसेबिलिटी developed it during the course of our life or have it after an accident. Differently abled में ऐसा हो सकता है कि either they have born with this disability, either जब पैदा होते हैं उसी time पे इस disability के साथ birth होता है। For example, अभी हम महाभारत देख रहे हैं, right? So जो धृतराष्ट्र है वो जब पैदा हुए थे उसी टाइम पे वो नेत्रहीन थे, राइट। सो इट वाज डिसेबिलिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ और डेवलप्ड इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, या फिर ऐसा कोई डिसेबिलिटी जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ हुआ हो, मतलब ऐसी कोई बीमारी जो लाइफ के दौरान आ गई हो, या फिर और हैव इट आफ्टर एन एक्सीडेंट, या फिर एक्सीडेंट के बाद ऐसी कोई डिसेबिलिटी आ गई हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया या फिर पैर कट गया, सो ऐसी कोई डिसेबिलिटी जो आफ्टर एक्सीडेंट आई हो। पीपल विद सच डिसेबिलिटीज़ आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? Differently abled. Differently मतलब अलग से, abled मतलब कर सकने वाले। Yes, वो अपना काम कर सकते हैं लेकिन अलग तरीके से, right? So I'll read once again. People with such disabilities are called differently abled. Mark this as question because I have given you the question there. Who is called differently abled? So the answer is people with physical or mental disabilities are called differently abled. ऐसे लोग जो physical या फिर mental disabilities के साथ हैं, right? These people are called differently abled. However, we should know that being differently abled is not a weakness. Yes. Differently abled होना कोई weakness नहीं है, right? We should not look down upon the differently abled people. हमें differently abled people को अलग से देखना नहीं चाहिए। They deserve to be the treated with respect. उनको भी उतनी ही respect मिलनी चाहिए जितनी normal लोगों को मिलती है, right? Hence, building are now equipped with the special facilities to help them. अब mostly जितनी भी buildings बनती है वो सारी उस सारी facilities के साथ available है जो इनको help कर सके,
नेशनल टेलीविजन चैनल्स हैव न्यूज सेगमेंट इन साइन लैंग्वेज फॉर दोज हु कैन नॉट हियर. नेशनल चैनल जो भी हमारे कंट्री के नेशनल चैनल्स होते हैं मोस्टली उनके जो न्यूज़ सेगमेंट्स होते हैं वो साइन लैंग्वेज में होते हैं ताकि जब वो न्यूज़ पढ़े तो वो साइन लैंग्वेज के साथ समझाए ताकि जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम है वो उनकी साइन लैंग्वेज पढ़ के न्यूज़ ईजीली समझ सके. मार्क दिस इज़ ऑल्सो एज अ क्वेश्चन बिकॉज आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन हियर. हाउ न्यूज सेगमेंट्स आर डिज़ाइन फॉर दोज हु कैन नॉट हियर. न्यूज सेगमेंट कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं उनके लिए जिनके लिए वो सुन नहीं सकते. सो द आंसर इज नेशनल टेलीविजन चैनल हैव न्यूज सेगमेंट्स इन द साइन लैंग्वेज फॉर दोज हु कैन नॉट हियर. नेशनल टेलीविजन चैनल में न्यूज सेगमेंट्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर दोज हु कैन नॉट हियर. ओके सो देर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल हु आर ग्रेटली सक्सेसफुल. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रेटली सक्सेसफुल हैं. डिफरेंटली एबल्ड होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एंड फेमस हैं. राइट वेल नोन फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग इज़ द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड. जो स्टीफन हॉकिंग हैं जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ही कुड नॉट यूज़ हिज लिम्स. वो अपने लिम्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे एंड कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द मशीन. और वो मशीन की हेल्प से कम्युनिकेट करते थे. येट ही इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस. फिर भी वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फेमस है. उन्होंने किस में कॉन्ट्रीब्यूट किया? साइंस में. राइट सो आई एम कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर विद दिस. I'll shortly start with the wrap up. I'll shortly start with the wrap up का मतलब होता है chapter close करना. chapter close करना मतलब books बंद करके chapter close कर दूँ? No, the wrap up is meant that short में पूरे chapter का gist, right? What we have studied in this chapter, internal organs, that is cannot be seen or touched. Internal organs वो organs होते हैं जिसे हम touch नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते. Examples lungs and heart. External organs are those organs which can be seen or touched. हम उसको देख सकते हैं और छू सकते हैं. Examples are eyes and skin. Skeleton is the support body. Skeleton supports body, gives shape, protect internal organs. Skeleton body को support देता है, shape देता है and internal organs को protect करता है. Joints is the meeting points of the bone. Bones का meeting point है. Freely movable joints in arms and legs, slightly movable joints in spine and immovable joints in a skull. यहाँ पे तीनों जॉइंट्स के टाइप दे दिए. फ्रीली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड इमूवेबल विथ इट्स एग्जाम्पल. एंड द लास्ट वन इज बीइंग डिफरेंटली एबल्ड. हैविंग अ डिसेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस और अ हर्डल इन अचीविंग सक्सेस. डिफरेंटली एबल्ड का लास्ट में मतलब दिया गया है कि उसे हमें एज अ डिसेबिलिटी वीकनेस की तरह या फिर हर्डल मतलब हमारी रुकावट की तरह ट्रीट करना चाहिए नहीं. नो वी कैन नॉट ट्रीट एल्स. वी शुड यूज इट एज आवर स्ट्रेंथ एंड वी शुड बी सक्सेसफुल विद दैट. यस
With this, I am completing the whole chapter, right? And your today's homework will be, I'll give you two extra questions that I have already told you, and your homework will be exercise A, B, C, D, E, F in notebook. Right? फटाफट से रिकैप करते हैं. एक्सरसाइज ए दैट इज, मैंने मोस्टली इतना डीप में यह चैप्टर करा दिया है कि मोस्टली आपको सारे आंसर्स इसी में मिल जाएंगे. फिर भी अगर नहीं मिले, सो आई प्रोवाइड यू विद आंसर कीज, बट होप आपको आंसर कीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मोस्टली सारे क्वेश्चंस आगे कवर हो चुके हैं. राइट, I will solve with exercise A says that exercise A says that choose the correct option and fill in the blanks. आपको correct options चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. नंबर वन, रिब केज प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट, लंग्स, ब्रेन या फिर लंग्स एंड हार्ट. सो द आंसर इज यस, रिब केज प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट. व्हेन इंटरेक्टिंग विद द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल वी शुड डिसरिस्पेक्ट देम, हमें उनका आदर नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट हेल्प देम, ट्रीट देम एज इक्वल, हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए या फिर वी शुड इग्नोर देम. वी शुड डू वी हैव टू डिसरिस्पेक्ट देम, नो. नॉट हेल्प देम, हमें उनको मदद नहीं करनी चाहिए, नो. ट्रीट देम एज इक्वल, हमें उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, यस. इग्नोर देम, हमें उनको इग्नोर करना चाहिए, नो. वी शुड ट्रीट देम एज इक्वल. व्हाट वी ईट इज डिपेंड ऑन, हम क्या खाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है. आवर कल्चर, आवर टेस्ट, आवर कल्चर एंड टेस्ट एंड फैशन. सो द आंसर इज आवर कल्चर एंड टेस्ट टेस्ट. द फ्रेम ऑफ बोन सपोर्टिंग द बॉडी इज कॉल्ड, जो बॉडी को सपोर्ट करता है उसे क्या कहते हैं. द आंसर इज स्केलेटन, यस. योर टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज ए बी सी इन टेक्स्ट बुक एंड एक्सरसाइज डी ई एफ इन नोटबुक. जिनके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं वो सारे एक्सरसाइजेस नोटबुक में लिखेंगे. राइट, say whether the statements are true or false. The rib cage protects the heart. Rib cage heart ko protect karta hai. Yes or no? Yes, rib cage hamare heart ko bhi protect karta hai. All of us have the same likes and dislikes. Hum sabko same likes and dislikes hai. No, that's false. People with disabilities can never be successful. डिसेबिलिटीज़ के साथ पीपल कभी भी सक्सेसफुल हो सकता नहीं है, ऐसा नहीं है, इट्स रॉन्ग. द स्टमक इज़ एन इंटरनल ऑर्गन, स्टमक हमारा इंटरनल ऑर्गन है, यस. जॉइंट्स अकर्स एट द प्लेस वेयर द ऑर्गन्स मीट, जॉइंट्स वहाँ होते हैं, वहाँ बनते हैं, वहाँ फॉर्म होते हैं जहाँ पे ऑर्गन्स मिलते हैं, यस. नो, इट इज़ रॉन्ग. Joints occurs at the place where bones meet. जहाँ bones मिलते हैं वहाँ पर joints बनते हैं, ठीक है. With this, I have completed exercise A and B. Now, you will try to find exercise C. That is your homework. Right? I'll give you the answers later. क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ, so this much pain you should take. Exercise D,
वेरी शॉर्ट आंसर्स. नेम एनी टू इंटरनल ऑर्गन्स, ये मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे चुकी थी. नेम एनी टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे चुकी थी. वॉट इज़ अ जॉइंट, जॉइंट किसे कहते हैं, ये भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे चुकी थी. यस, वॉट इज जॉइंट, वॉट इज अ जॉइंट, जॉइंट अकर्स एट द प्लेस वेयर बोन्स मीट. यस, शॉर्ट आंसर्स. वॉट इज एन ऑर्गन सिस्टम, ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा था जो मैंने दिया था. आंसर कीज में देख लेना, इन सब के आंसर्स में आंसर कीज में दे चुकी हूँ. वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडीज, ये क्वेश्चन भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे चुकी हूँ. यू विल गेट द आंसर इन आंसर कीज. स्टेट द फंक्शन ऑफ द रिब केज एंड स्कल, अब रिब केज और स्कल का फंक्शन बताओगे. सो द आंसर इज ऑन द पेज नंबर 2 and 3. द आंसर इज द रिब केज इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिब्स दैट प्रोटेक्ट्स अवर हार्ट एंड लंग्स इन द चेस्ट, एंड द स्कल इज द ग्रुप ऑफ बोन्स ऑफ द हेड दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड गिव्स इट्स शेप. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ड्यूप्लीकेट पार्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम इन. लॉन्ग आंसर्स एक्सरसाइज एफ, लॉन्ग आंसर्स राइट. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, डिफ्रेंशिएट का मतलब है उन सब के बीच में डिस्टिंग्विश लिखना. द आंसर विल बी, पहले हम एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन का डेफिनेशन लिखेंगे, जो हम व्हाट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन और व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स में उन दोनों के डेफिनेशंस दिए हुए हैं. नंबर 2 में हम लिखेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर टच्ड एंड सीन एज दे आर आउटसाइड अवर बॉडी. एक्सटर्नल ऑर्गन्स हम टच करते कर सकते हैं और देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी के बाहर हैं. एंड द इंटरनल ऑर्गन्स आर वी कैन नॉट टच बिकॉज दे आर इनसाइड अवर बॉडी, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर है. एग्जाम्पल्स, थर्ड पॉइंट विल बी द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स आर एक्सटर्नल आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स, स्किन, फिंगर्स एक्सेट्रा फॉर द इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स, एंड द हार्ट, लंग्स, लिवर्स एंड इंटेस्टाइन विल बी फॉर इंटरनल ऑर्गन्स राइट. स्टेट द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मैंने ह्यूमन स्केलेटन का भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया था. यस यस, आई हैव गिवन यू दिस. राइट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन इन 4 to 5 सेंटेंसेस, वो जो आंसर है वो इसी का है. सो यू विल राइट दिस इन योर नोटबुक. And the last question is, write a short description of freely movable and slightly movable joints is on the page number 3. Freely movable joints like those in arms and legs and slightly movable joints such as those in spine. Right, so hope you are clear with this, and I have completed the questions, long questions with this. Now question number exercise G, think and answer. Usme when does a baby cry the loudest, ye maine answer bataya aapko. Bachcha sabse zyada kab rota hai, jab wo भूखा होता है. यस, सो यू विल राइट बेबी क्राइज द लाउडेस्ट व्हेन इट इज हंग्री. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बेबी एंड पप और अ किटन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो आप लिखोगे. दिस बोथ आंसर्स विल बी रिटर्न इन योर ओन वर्ड्स, सो आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन राइट. और बाकी के मोस्टली सारे आंसर्स आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिल जाएंगे एंड मेरे आंसर्स कीज में मिल जाएंगे.
सो होप यू हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर एंड फॉर एनी अदर क्वेरीज यू हैव टू रिफर ऑल द वीडियोज एज वेल एज द आंसर्स इज प्रोवाइडेड इन द ग्रुप या goodbye for the day revise this chapter again with all the videos yeah bye